गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 6 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 12 विच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच, पेज नंबर 120, लेफ्ट हैंड साइड 12.4. वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विच ऑन एंड ऑफ आर होम मेड टॉर्चेस बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल. दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज. वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच to use in a circuit. So basically हमने एक switch बनाया था या torch जो हमने बनाई थी उसमें एक switch type का था. उसमें क्या arrangement था, हमने एक bulb electric cell लिया था, उससे हमने wire का connection एक bulb पे किया था direct. हमने कोई wire center में बीच में bulb और second point जो था electric cell का उससे नहीं connect किया था. हम basically bulb को move कर रहे थे और जैसे ही वो second terminal पर touch होता है तो क्या हो रहा था students, bulb glow हो रहा था. लेकिन this was not very easy to use. बहुत हेक्टिक हो जाता है ये ऐसा बल्ब यूज़ करना कि अगर वो हल्का सा भी हिल गया तो इट विल नॉट ग्लो. सो वी विल मेक अ न्यू स्विच विच इज़ वेरी इजी टू यूज इन अ सर्किट. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्टिविटी 4, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन, टू वायर एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड. अब हमें ये सारे मटेरियल्स यूज करने हैं, टू ड्राइंग पिन्स विच इज बेसिकली अ थंब पिन, सेफ्टी पिन, अ सेफ्टी पिन, टू वायर्स and a small sheet of thermocol or wooden board. Insert a drawing pin into a ring at one end of the safety pin. अब आपको क्या करना है basically, आपको वो ले रहे हैं safety pin, उसमें हमें क्या करना है drawing pin उसके अंदर insert करनी थी जो नीचे की side hole होता है. Okay? और हमें उसके आगे क्या करना है and fix this on a thermocol sheet. उसी arrangement को आपको thermocol sheet पे press करना है. Now make sure that the safety pin can be rotated freely. The safety pin should move freely. Now fix the other drawing pins on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch. क्या करना है, जो दूसरा drawing pin है उसको भी thermocol sheet पे press कर देना है. अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो safety pin है वो second वाली thermocol sheet को भी touch करे. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. ये जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया आप एक्टिविटी 12.9 में देख पा रहे होंगे. तो हमने जो पूरा अरेंजमेंट किया है ये क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये स्विच है. नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9. 12.9 में एक इलेक्ट्रिक सेल आपको कनेक्ट करना है, साथ में आपको क्या कनेक्ट करना है, एक बल्ब कनेक्ट करना है. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्रॉइंग पिन, दूसरे ड्रॉइंग पिन के टच होना चाहिए. वॉट डू यू ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो. जब आप उस सेफ्टी पिन को दूर करते हैं तो क्या बल्ब ग्लो होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है. सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम. क्या होगा, सेफ्टी पिन जो बीच का गैप है, जो दोनों ड्रॉइंग पिन्स के बीच का गैप है, उसको कनेक्ट करती है. ओके, इस वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है. इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन पोजिशन. ऑन पोजिशन कब कहलाएगा, जब आप क्या करेंगे, जो बीच का गैप है दोनों ड्रॉइंग पिन्स के बीच में वो खत्म हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, since the material of the safety pin allows the current to pass through it, the circuit was complete, hence the bulb glow. क्या होता है, जो gap है बीच में वो कम हो जाता है. और safety pin क्या है basically, एक ऐसा safety pin इस material से बनी हुई है जो क्या करती है, allow करती है bulb मतलब current को pass होने के लिए. ठीक है, तो current pass होगा obviously last में, in last क्या होगा, bulb glow हो जाएगा. On the other hand, the bulb do not glow when the safety pin is not in touch with the other drawing pin. The circuit is not complete as there was a gap between the two drawing pins. क्या होगा, दोनों drawing pins के बीच में जो gap है, अगर safety pin नहीं touch कर पा रही है तो दोनों drawing pins के बीच में जो gap है, इस वजह से जो position कहलाएगी वो off position कहलाएगी, कि bulb क्या कर रहा है, glow नहीं कर रहा है. In this position, the switch is said to be off as shown in figure 12.9. अब ये जो position है इसको किस क्या बोलेंगे, off position बोलेंगे. क्यों, क्योंकि bulb glow नहीं हो रहा है. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. What is a switch? Switch basically क्या है, आप underline कर ले please इस line को. A switch is a simple device that either breaks the current or completes it.
ठीक है, या तो करंट ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है. द स्विच इज यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेज इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल थ्रू द डिजाइन आर कॉम्प्लेक्स. जो घर में हम ये तो हमने सिंपल बना लिया, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, वो है तो सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है, बट क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इन ऑल आर एक्टिविटी वी हैव यूज मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. Basically क्या होता है, अगर हमने वो वायर लिया है, नॉर्मल वायर, ठीक है, एल्यूमिनियम या मेटल का जो हमने वायर लिया है तो वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन इमेजिन करो कि अगर हम उस वायर की जगह क्या अगर कॉटन का धागा लें या थ्रेड लें तो क्या बल्ब ग्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मटीरियल ऐसा है जो करंट को पास थ्रू नहीं होने देता है. ओके स्टूडेंट्स, so we are at activity 5 which disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with two free ends of the wire as shown in figure 12.12a. अब हमने क्या देखा है इसके अंदर कि जब disconnected है, disconnect the switch from the electric circuit, जब हम लोग switch को disconnect कर लेते हैं जो हमने activity 4 में last में किया था, this would leave you with two free ends of the wire shown in figure 12.12. दो free ends आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप इस activity में देख सकते हैं. See, in this activity, like this figure, अगर हम इस स्विच को पूरे को हटा दें, जो थर्माकोल वाला जो पूरा पार्ट है अगर हम उसे हटा दें, तो हमारे पास क्या दो फ्री एंड बचेंगे, एक तो बल्ब से आ रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक सेल से आ रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर. जो दो फ्री एंड्स है उनको क्या करना है आपको, उसकी अब आप उसको अगर फ्री छोड़ देंगे तो क्या लगता है आपको, बल्ब ग्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि कनेक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. यू कैन या नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू. अब आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में आप कोई भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकते हो, जैसे आपने की रख के ट्राई कर लिया या आप कोई और ऐसी चीज़ रख के ट्राई कर सकते हैं. तो आपको अगर आप उससे अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपने जो मटेरियल जो भी प्रोडक्ट यूज़ या जो भी आपने थिंग यूज़ करी है, हम एक चीज़ बोल सकते हैं, तो उसका जो मटेरियल है वो क्या कर पा रहा है, करंट को फ्लो कर पा रहा है. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल सच एज कॉइन, कॉक, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, सूइंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड. ये सारे मटेरियल्स जो है आपको क्या करना है, इन सब मटेरियल्स को लगा के ट्राई करना है. वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद द टू एंड ऑफ द सैम्पल यू हैव कलेक्टेड. वही जो हमने ये सारे मटीरियल लिया है, इसका क्या करना है आपको, लगा लगा के टेस्ट करना है. मेक श्योर दैट द टू वायर डजंट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो. डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? आपको ये देखना है कि दोनों वायर टच ना करें. अगर वायर डायरेक्ट टच करने लग जाएंगे तो क्या होगा, कनेक्शन पूरा हो जाएगा वायर से ही और हमें पता ही नहीं चलेगा कि मटीरियल कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ये जो टेबल दी हुई है ये आपको कंप्लीट करनी है, कौन सा मटीरियल अलाउ कर पा रहा है और कौन सा नहीं कर पा रहा है. नाउ व्हाट डू यू फाइंड? द बल्ब डजंट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड इन आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मटीरियल यू हैव टेस्टेड. कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं, लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं जो टेस्ट करते टाइम बल्ब ग्लो नहीं होता है, ठीक है. तो दिस मीन्स दैट दीज मटीरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ऑन द. अब ये जो मटेरियल आपने यूज़ किया जिसकी वजह से बल्ब नहीं ग्रो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिक सेल को, पूरा जो सर्किट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. ओके, ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज़
indicated by the glowing bulb. Material which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. अब क्या है जो मटेरियल ऐसे जो अलाउ कर पा रहे हैं करंट पास करने के लिए, बल्ब ग्लो होगा, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. अंडरलाइन दिस पैराग्राफ, आई मीन दीज लाइंस. इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल दैट कंडक्ट दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स. अब जो इंसुलेटर है बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है. उसको बेसिकली जो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. हमने 12.1 टेबल करी थी, उसमें आपने कुछ ऐसे मटेरियल्स देखे जो अलाउ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो आपको ये जो गैप्स दिए हुए हैं इसमें आपको फिल करना है. कंडक्टर्स, तीन कंडक्टर बताने और तीन इंसुलेटर. वॉट डू यू कंक्लूड, विच मटीरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स. ऐसे कौन से हैं जो कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर हैं. Recall the objects that we grouped as those have luster in chapter 4. Are they conductors? It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. अभी easy हो गया हमारे लिए सोचना कि कौन से materials हमने aluminium, copper, इन सब के wire क्यों बनाए थे, ठीक है. Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. हमने activity 4 करी थी, अभी आपको बताया था. When the circuit was in the open position, where the two drawing pins are connected with each other through the thermocol sheet, but the thermocol sheet may have found is an insulator. Thermocol sheet हमने काम में ली थी. Thermocol sheet क्या थी? Insulator, ठीक है. What about the gap between air between the gap? जो बीच में air है उसका क्या? Air conductor है या insulator है? Since the bulb doesn't glow when there is air in between the gap between the drawing pins in your switch, it means that the air is also an insulator. Air जब normally है तो भी conduct नहीं कर पा रही, that means it is insulator. Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electric plugs, sockets are made of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wires, plug tops, switches and other parts of the electric appliances which people might touch. Dono important hai. Conductor nahi hoga to kya hoga? Current pass hi nahi hoga, bulb glow hi nahi hoga. Lekin agar insulator nahi hua to sabko current lagta rahega. Aayi baat samajh mein? So dono cheeze bahut important hai. So students, we have completed this chapter till now. So I'll be sending you all the question and answers plus notes. Please complete your work in your copy and I'll be checking your copy on 16th of December. Okay, till then complete your work. Have a nice day. Thank you.